साथियों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ, वन इज एज द नथिंग इज अ मिरेकल, द अदर इज एज द एवरीथिंग इज अ मिरेकल। यानी आपके पास जीने के दो तरीके हो सकते हैं, एक यह मानकर के कि संसार में हर चीज जो है वो एक चमत्कारिक है, थ्रिलिंग है, या यूं कहिए कि आप जोश को जिंदगी में जिए, मजे में जिंदगी को हंसते हुए जिए, मुस्कुराते हुए जिए, दूसरों के लिए कारगर साबित हो, मददगार साबित हो। और दूसरा यह हो सकता है तरीका जिंदगी जीने का कि निराशावादी सोच के साथ जिए, आप निगेटिविटी के साथ जिए, मेहनत ना करें, आप थक जाए, हार जाए, मायूस हो जाए, ये एक तरीका हो सकता है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। टूडेज वर्ड, टू वर्ड्स के सेशन में एवरी डे आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू टू वर्ड्स। ओके, ब्रिंगिंग यू टू वर्ड्स भी कह सकते हैं, कोई ये नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। सो द फर्स्ट वर्ड टूडे विल बी प्रिजर्वेटिव। Both the words today that I'm going to tell you are formal words, okay? Focus a little bit on pronunciation. And the first word is pejorative, pejorative. जब पे बोलते हैं तो जो पर धक्का दे दीजिए, pejorative. Pejorative जो है derogatory होता है, इसका मतलब होता है। जैसे पहले कुछ दिन पहले तक हम लोग इसको बोलते थे, मान लीजिए एक बोलते थे, कुछ दिन पहले तक हैंडीकैप बोलते थे हम, मोदी जी ने कहा, या बहुत सारे लोग कहा कि भाई हैंडीकैप थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इट्स अप्रूविंग डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है, तो हम इसके जगह पर डिसेबल्ड बोलते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं। आप लोगों ने शायद गौर किया हो, कुछ दिन पहले तक हम लोग कहते थे गार्बेज मैन। हम लोग कुछ चीजों में संस्कार अपना बढ़ा रहे हैं और कुछ चीजों में गिरा भी रहे हैं। जैसे टेक्निकली बहुत हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, संस्कारी होते जा रहे हैं, जैसे गार्बेज मैन पहले हम लोग बोलते थे, थोड़ा सा अभद्र जनक भाषा लगता था, अपमानजनक, डेरोगेटरी बोलते हैं इसको, डेरोगेटरी भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा पेजोरेटिव लगता था, पेजोरेटिव लगता था। फिर हम लोगों ने उसको कहा सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन टे पर जो थोड़ा सा सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर हम लोगों ने कहना शुरू किया। तो पेजोरेटिव का मतलब ये हुआ, मीन्स ये हुआ कि इट मीन्स वर्ड और फ्रेज दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, ओके, डिसअप्रूविंग एक्सप्रेशन, या ये कहिए कि एक ऐसा टर्म जो अब्यूजिव टाइप का हो, थोड़ा अब्यूजिव टाइप का लगे, डिसरिस्पेक्टफुल टाइप का रहे, उसको पेजोरेटिव बोलते हैं। तो आप बोलेंगे यार पेजोरेटिव वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए, लेट्स यूज द बेटर वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंटोलेंस। इन पर जोड़ दीजिए, वहां पर जो को फोकस किए थे इन पेजोरेटिव, यहां इंटोलेंस, इन पर दीजिए इंटोलेंस। इंटोलेंस जो होता है वो होता है लेजीनेस, इंटोलेंस मीन्स लेजीनेस, इज ऑल्सो अ फॉर्मल वर्ड। लेजीनेस कहिए, इनएक्शन कहिए, इनएक्टिविटी कहिए, डॉर्मेंसी कहिए, है ना, जो कहिए, तो इंटोलेंस। सो यदि आप इंटोलेंस को फॉलो करेंगे, इफ यू विल फॉलो द इंटोलेंस यू विल बी इन पेन्यूरी। सो इफ समवन इज लिविंग इन पेन्यूरी, इट डज मीन ही हैज बीन लिविंग इन इंटोलेंस, ही हैज बीन फॉलोइंग इंटोलेंस। So the reason behind his penury is the indolency. Okay, due to his indolence, he is living right now in penury. Penury means garibi. So these were the two words, fantastic words. Thanks for watching. And if these two words that I'm giving daily are somewhat beneficial, then you must like at least my video. That will be a kind of encouragement to me. And my friends, okay, see, mind is everything. Must muster guts, okay, have courage and achieve something. Never try to be sad, yaar. One day we all have to depart, okay. Nobody's going to survive here, okay. Kis baat ki chinta hai? Jo chahenge, wahi payenge. Where there is a will, there is a way, okay. Nobody can stop you, okay. Aur Einstein saab ki baat ko yaad rakhenge ki do tarike hain, ya to hanske jiyo, या रोके जियो, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।